अगर आप वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं मगर काम नहीं करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कहने का मतलब, अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम में ये मानकर मौज काट रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा तो आप मुगालते में हैं। कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम में आपकी हर एक्टिविटी को धरने का इंतजाम कर लिया है। इस चक्कर में एक महिला की नौकरी भी चली गई है। माउस के क्लिक से लेकर कीबोर्ड की खटपट तक सब रिकॉर्ड हो रहा है। इधर आपने झोल किया, उधर कंपनी ने आपको ऑफ रोल किया। मतलब रिमोट वर्किंग का रिमोट आपके पास नहीं बल्कि आपकी कंपनी के पास है। क्या है पूरा मामला, हमसे जान लीजिए। कोरोना के बाद तो वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग का दौर खूब चलन में है। कई सारी कंपनियों ने तो अपने आप को पूरी तरह इस सिस्टम पर शिफ्ट कर लिया है, लेकिन रिजल्ट शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट से लेकर अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों ने बकायदा अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए धमकी तक दे डाली है। जो अभी भी रिमोट वर्किंग वाले मॉडल पर हैं, उन्होंने भी अपने कर्मचारियों पर कड़ी निगाह रखना स्टार्ट कर दिया है। सॉफ्टवेयर से लेकर कैमरे तक से नजर रखी जा रही है। जिस तकनीक की मदद से लोगों ने कंपनियों को बेवकूफ बनाने का सोचा था, उसी तकनीक का इस्तेमाल कंपनियां अब नजर रखने के लिए कर रही हैं। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इसी निगरानी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक महिला कर्मचारी को अपनी कंसल्टेंट की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल महिला की कंपनी ने उनके सिस्टम पर की स्ट्रोक मॉनिटर करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया हुआ था। ये सॉफ्टवेयर इस बात की गिनती करता है कि दिन भर में आपने कीबोर्ड को कितनी बार पीटा, मतलब कितनी देर तक टाइपिंग की। महिला को हर घंटे 500 बार कीबोर्ड पर खटपट करनी थी, लेकिन वो सिर्फ 100 दफा ही ऐसा कर रही थी। नतीजा हो गया टाटा। एक और दिलचस्प किस्सा है। माइकल पैट्रॉन नाम के एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने 2 कर्मचारियों को फायर कर दिया क्योंकि वो माउस मूविंग तकनीक का इस्तेमाल करके उनको गोली दे रहे थे। आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से माउस को एक सेट टाइम के बाद हिलाया जा सकता है। ऐसा करने से लगता है जैसे स्क्रीन ऑन है, काम चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। माइकल भैया ने सिस्टम में टाइम डॉक्टर नाम से सॉफ्टवेयर लगाया हुआ था जो डिवाइस की असल गतिविधि रिकॉर्ड करके कंपनी को भेज रहा था। उनके मुताबिक जब उन्होंने नोटिस किया कि कर्मचारी घंटों तक जवाब नहीं दे रहा था, तब उन्होंने उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना चालू किया। पता चला एक नहीं बल्कि 2 कर्मचारी अलसाए पड़े हुए थे। हालांकि इसके पहले भी साल की शुरुआत में एक ऐसा ही एक और कांड हुआ जहां एक और महिला कामचोरी करते पकड़ी गई थी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक काली बेसी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। काली अपने काम के घंटों के साथ मक्कारी करती पकड़ी गई और फिर कंपनी ने उनसे 3 लाख रुपए वसूल लिए, और ये सब हुआ एक सॉफ्टवेयर की मदद से। काली की कंपनी ने उनके लैपटॉप में टाइम कैंप नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ था। ये सॉफ्टवेयर लैपटॉप पर काम के घंटे से लेकर फाइल के ओपन रहने और बंद होने के टाइम को रिकॉर्ड कर सकता है। कंपनी के मुताबिक सॉफ्टवेयर के लॉगबुक में साफ साफ दिख रहा था कि महिला अपने काम के घंटों के दौरान काम चोरी करती थी। सॉफ्टवेयर लैपटॉप पर काम के घंटे से लेकर कितने प्रिंट निकाले वो भी बता सकता है। सॉफ्टवेयर ने महिला की काम चोरी को पकड़ लिया और नतीजा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो भैया, कथा का सार ये है कि वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए है, मौज काटने के लिए नहीं। जब तक दाल में नमक मिल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही नमक में दाल मिलेगी तो वो गलने से रही। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताइए। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लगन टॉप। शुक्रिया।